हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है दुर्ग जम्मू तवी वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है दुर्ग जम्मू तवी वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है दुर्ग छत्तीसगढ़ से जम्मू तवी, जो कि जम्मू कश्मीर का स्टेशन है, वहाँ तक चलती है। दुर्ग स्टेशन से ये ट्रेन जो है हर मंगलवार को दुर्ग जंक्शन से ये दोपहर के 12 बजे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से जम्मू तवी के लिए रवाना होती है और 33 घंटे 20 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 19 स्टेशन हैं और दुर्ग जंक्शन छत्तीसगढ़ से जम्मू तवी की जो दूरी 1875 किलोमीटर के करीब जो है ये कवर करती है और इसका ट्रेन नंबर है 12549। और ये जो ट्रेन है सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है, साउथ से ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिवीजन जो है इसे ऑपरेट करता है। इसमें LHB कोचेज जो है दिए गए हैं और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 56 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो मैं जो अभी दुर्ग जम्मू तवी सुपर फास्ट एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊंगा वो दुर्ग छत्तीसगढ़ से जम्मू तवी तक का कोचेस वाइज किराया बताऊंगा। इस ट्रेन में वैसे फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके कोचेस वाइज इसके किराया डिस्कस कर लेते हैं। दुर्ग जम्मू तवी वीकली सुपर फास्ट एक्सप्रेस में अगर कोचेस वाइज किराया की बात करें तो फर्स्ट AC का दुर्ग से जम्मू तवी तक का जो किराया है वो है 4825 रुपये, जिसमें 4460 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, 75 रुपये जो है सुपरफास्ट चार्ज है और टोटल GST चार्ज जो है वो है 230 रुपये के करीब। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकेंड AC के कोच भी हैं। सेकेंड AC के इसमें दो कोच हैं, जिसका दुर्ग से जम्मू तवी तक का जो टोटल किराया है वो है 2830 रुपये, जिसमें 2600 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज जो है 45 रुपये है और 135 रुपये जो है वो टोटल GST चार्ज इसमें जोड़ा जाता है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड AC के कोच भी हैं। थर्ड AC के तकरीबन इसमें चार कोचेस हैं, जिसका किराया जो है 1965 रुपये है और इसमें 1786 रुपये तो बेस फेयर है, 40 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये है और 94 रुपये जो है वो GST चार्ज शामिल है। दोस्तों ध्यान रहे, ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये दुर्ग जंक्शन से जम्मू तवी तक का बताया। स्लीपर क्लास का अगर किराए के बारे में बात करें तो स्लीपर क्लास का 750 रुपये किराया है और इसमें स्लीपर क्लास के तकरीबन जो हैं 9 कोचेस हैं, जिसमें 700 रुपये तो बेस फेयर है और रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है और 30 रुपये जो है वो सुपर फास्ट चार्ज शामिल होता है। इसमें कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा इस ट्रेन में चार जो है जनरल अनरिजर्व डिब्बे हैं, जिसका किराया जो है 430 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये कोचेस वाइज दुर्ग जंक्शन से जम्मू तवी तक का बताया। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लें। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार यानी कि रसोई अन्न कक्ष की फैसिलिटी भी साथ में है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस है आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको जो है एक्स्ट्रा पे करके ट्रेन के अंदर ही फूड जो है परचेज करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं दुर्ग जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। अगर आपने कभी भी दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस में ट्रैवल किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपना ट्रेन एक्सपीरियंस भी कमेंट करके बताएं। दुर्ग जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है दुर्ग जंक्शन छत्तीसगढ़ से हर मंगलवार को दोपहर के 12 बजे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और ये जो ट्रेन है दुर्ग से जम्मू तवी की जो दूरी है 33 घंटे 20 मिनट में कवर करती है और इसके तकरीबन 19 स्टेशन हैं और 1875 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है। उसके बाद दुर्ग जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने दूसरे स्टेशन रायपुर जंक्शन छत्तीसगढ़ में दोपहर के 12:35 पे पहुंचती है और 12:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 37 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। रायपुर जंक्शन से तकरीबन 64 किलोमीटर बाद ये ट्रेन जो है भाटापारा छत्तीसगढ़ में दोपहर के 1:28 पे पहुंचती है और 1:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 101 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। भाटापारा में ये ट्रेन जो है बरौनी गोंडिया एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है हर मंगलवार को। उसके बाद ये ट्रेन जो है बिलासपुर जंक्शन छत्तीसगढ़ में पहुंचती है दोपहर के 2:30 पे और 2:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 20 मिनट का स्टॉप है। बिलासपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और यहां पर ये ट्रेन जो है रिवर्स भी होती है, इंजन जो है इसका रिवर्स होता है, इंजन जो है दूसरी दिशा में लगकर चलता है। इसके बाद ये ट्रेन जो है छत्तीसगढ़ के आखिरी स्टेशन
पेंड्रा रोड में पहुंचती है। पेंड्रा रोड में दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस जो है शाम के 4:28 पे पहुंचती है और 4:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 250 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। पेंड्रा रोड का जो स्टेशन कोड है वो है PND। इसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश में एंटर करती है। छत्तीसगढ़ के से मध्य प्रदेश में इसका जो पहला स्टेशन आता है वो है अनूपपुर जंक्शन। यहाँ पर ये ट्रेन जो है शाम के 5:15 पे पहुंचती है और 5:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 300 किलोमीटर की यात्रा जो है ये दुर्ग जंक्शन से अनूपपुर जंक्शन मध्य प्रदेश तक की कवर कर चुकी होती है। अनूपपुर जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है APR। इसके बाद दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस जो है वो अपने 7वें स्टेशन शाहडोल स्टेशन में पहुंचती है शाम के 6:00 और 6:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 340 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। शाहडोल मध्य प्रदेश का जो स्टेशन कोड है वो है SDL और शाहडोल मध्य प्रदेश पे ये ट्रेन जो है मदन महल अंबिकापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग भी होती है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है इसके साथ क्रॉस करती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने 8वें स्टेशन उमरिया में पहुंचती है शाम के 7:00 और 7:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उमरिया स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है UMR और 407 किलोमीटर के करीब जो है ये यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कटनी मुरवारा स्टेशन में पहुंचती है रात के 8:35 पे और 8:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 465 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सागौर स्टेशन में पहुंचती है। सागौर स्टेशन में ट्रेन जो है रात के 11:15 पे पहुंचती है और 11:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। सागौर मध्य प्रदेश में ये ट्रेन जो है उत्कल कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस या विंध्याचल एक्सप्रेस के साथ भी इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है झांसी जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। झांसी जंक्शन उत्तर प्रदेश में ट्रेन जो है रात के 2:30 पे पहुंचती है और 2:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 876 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। यहां पर ये ट्रेन जो है मालवा एक्सप्रेस, कर्नाटका एक्सप्रेस और शान ए भोपाल एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग भी होती है झांसी जंक्शन में। उसके बाद ये ट्रेन जो है ग्वालियर जंक्शन मध्य प्रदेश में पहुंचती है। यहां पर ये ट्रेन जो है रात के 3:50 पे पहुंचती है और 3:52 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 973 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है ये ट्रेन। उसके बाद ये ट्रेन जो है आगरा कैंट में पहुंचती है सुबह के 5:23 पे और 5:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1091 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। दिल्ली सफदरगंज स्टेशन में ये ट्रेन जो है सुबह 9:30 पे पहुंचती है और 9:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1284 किलोमीटर के करीब जो है ये यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। दिल्ली सफदरगंज के बाद ये ट्रेन जो है हरियाणा के इकलौते स्टेशन अंबाला कैंट जंक्शन में दोपहर के 1 बजे पहुंचती है और 1:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। यहां पर ये ट्रेन जो है पश्चिम एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग भी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पंजाब में एंटर करती है। दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस जो है पंजाब के पहले स्टेशन लुधियाना जंक्शन में दोपहर के 2:55 पे पहुंचती है और 3:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। यहां पर ये ट्रेन जो है अमृतसर टाटा नगर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पंजाब के दूसरे स्टेशन जलंधर कैंट जंक्शन में पहुंचती है। दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस जो है पंजाब के जलंधर कैंट जंक्शन में या जलंधर छावनी में ये ट्रेन जो है शाम के 4:10 पे पहुंचती है और 4:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1660 किलोमीटर के करीब जो है ये यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। जलंधर कैंट के तकरीबन 2 घंटे बाद और तकरीबन 112 किलोमीटर बाद ये ट्रेन जो है पंजाब के आखिरी स्टेशन और इस ट्रेन के सेकंड लास्ट स्टेशन पठानकोट कैंट में पहुंचती है शाम के 6:15 पे और 6:20 पे शाम को वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1770 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद दुर्ग जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन जम्मू तवी स्टेशन में रात के 9 बज के
20 मिनट पे पहुंचती है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से जम्मू तवी की जो दूरी है ये 1875 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस जो है की वीडियो जो है समाप्त होती है। यहाँ पर जम्मू तवी में ही आकर ये ट्रेन जो है टर्मिनेट हो जाती है, इससे आगे नहीं जाती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे और मेरी बाकी अन्य वीडियोज़ को भी जरूर देखते रहें। अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पसंदीदा ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं या किसी पसंदीदा ट्रेन रूट पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।